तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे इंडिया में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कितनी डिमांड बढ़ चुकी है। तो इसी डिमांड को देखते हुए हमारे जो भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, टाटा और महिंद्रा, वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उतर चुके हैं। और टाटा तो बहुत आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर महिंद्रा मोटर्स भी पीछे नहीं रही दोस्तों। महिंद्रा मोटर्स भी अब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आप कार स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही कार पहली कार होने वाली है महिंद्रा मोटर्स की इलेक्ट्रिक, या फिर हो चुकी है ये इलेक्ट्रिक। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक ही वेरियंट है। इस कार के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना दिए है हमारे चैनल पर, वो वीडियो अपलोड है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, यही वो कार है। तो इस कार के बारे में आपके दिलों में जो भी डाउट्स होंगे वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला डाउट जो है इस कार के बारे में दोस्तों, वो है इस कार का नाम। जी हाँ दोस्तों, इस कार का नाम ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कोई इसको महिंद्रा रिवा कहता है, या फिर कोई प्लस कहता है, महिंद्रा प्लस ईवी, ऐसे कुछ नाम है। इसका मैं ऑफिशियली नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्या है इसका ऑफिशियली नाम है दोस्तों, महिंद्रा E20 NXT। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा E20 NXT, ये इसका ऑफिशियल नाम महिंद्रा की तरफ से रखा गया है दोस्तों। लेकिन जब ये नई वाली लॉन्च होगी तब वो नाम चेंज करेंगे या फिर यही नाम रखेंगे, ऐसा तो कोई हमें करेक्ट पता नहीं है। लेकिन यही नाम इसका रहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाम दे चुके हैं दोस्तों इस कार को। तो एक ईवी कार होने वाली है दोस्तों, वो भी महिंद्रा मोटर्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, और इसमें फीचर्स आप देख ही चुके होंगे वीडियो में। आपको इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों इस कार में, जो कि इसकी सेगमेंट के इस प्राइस रेंज में कोई कार आपको, कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं देगी। और ये कार अगर लॉन्च हुई हमारे इंडिया में अब इसी टाइम पे, तो ये कार बहुत अच्छी यूज़ की जाएगी दोस्तों इंडियन लोगों के हाथों में। तो दोस्तों, यहाँ पर अब दौर है इलेक्ट्रिक कार्स का, तो महिंद्रा वाले इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा डाउट ये है दोस्तों लोगों के दिलों में, कि ये कार कब लॉन्च होगी और इसकी प्राइस रेंज क्या होगी। तो दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता कि ये कार कब लॉन्च होगी, लेकिन ये जल्दी हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसे फिर से एक बार ट्राई किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी, और कुछ अपडेट्स करने के बाद इस कार को महिंद्रा वाले हमारे इंडियन मार्केट में ज़रूर लॉन्च करेंगे। और इसकी प्राइस रेंज के बारे में अगर हम बात करें, तो महिंद्रा वाले इसे मोस्ट अफोर्डेबल कार बनाने वाले हैं, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले हैं। तो इसकी प्राइस रेंज मुझे लगता है 5 लाख से लेके 8-9 लाख के बीच में इसकी प्राइस रेंज होगी, सारे फीचर्स अपडेट करने के बाद। और आखिरी डाउट मैं आपको बता दूं, इसकी रेंज क्या होगी। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 300 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज आराम से ये कार आपको निकाल के देगी। ये सिर्फ एक दोस्तों मैंने अंदाज लगाया है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस कार की साइज़ कम है, वेट कम होगा, तो इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और अब काफ़ी हाईटेक बैटरीज आ चुकी है, वो भी महिंद्रा वाले इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ये एक प्लस पॉइंट होगा इस कार का, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो दोस्तों, इतनी अच्छी कार महिंद्रा वाले हमारे इंडिया में ला रहे हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, और वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला भी वीडियो मैं इसी कार के ऊपर लाऊंगा, और इससे भी बेस्ट लाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।